नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है श्री गंगानगर सादुलपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की। दोस्तों यह ट्रेन जानकारी जून की समय सारणी के अनुसार है। दोस्तों यह ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन है, परंतु दोस्तों इस ट्रेन का किराया एक्सप्रेस किराए के रूप में लिया जाता है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन नंबर 04764 श्री गंगानगर सादुलपुर पैसेंजर स्पेशल, जो सप्ताह में हर दिन श्री गंगानगर जंक्शन से सादुलपुर जंक्शन के बीच चलती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके ट्रेवल टाइम की, तो यह श्री गंगानगर जंक्शन से सादुलपुर जंक्शन के बीच 245 किलोमीटर की यात्रा लगभग 5 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच यह 25 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस ट्रेन में लगने वाले कोच की, तो इसमें ICF रेक श्रेणी के ओनली जनरल क्लास के कोच लगते हैं। दोस्तों यह ट्रेन पूर्ण रूप से अनारक्षित ट्रेन है। दोस्तों इस ट्रेन की टिकट आप हैंड टू हैंड रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की, तो इसमें श्री गंगानगर से सादुलपुर के बीच लुधियाना लोको शेड का WDM-3A डीजल लोकोमोटिव लगता है। तो आइए दोस्तों इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों श्री गंगानगर सादुलपुर पैसेंजर स्पेशल, जो श्री गंगानगर जंक्शन से सुबह 5 बजे रवाना होने के बाद बनवाली सादुल शहर बुद्ध सिंह वाला दोलीपल रुकते हुए सुबह 6:05 पे हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचती है, तथा दोस्तों 25 मिनट के ठहराव के बाद 6:30 पे यहाँ से रवाना होकर हनुमानगढ़ टाउन शेरेकन सलेमगढ़ मसानी टिब्बी तुलवाड़ा जेल रुकते हुए 7:25 पे एलनाबाद पहुंचती है, तथा दोस्तों 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:27 पे से रवाना होके सुरेरन खिनिया बुकर का रुकते हुए सुबह 8:06 पे नोहर पहुंचती है, तथा दोस्तों 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:08 पे यहाँ से रवाना होकर दीपलाना श्री रामगढ़ हाल्ट रुकते हुए 8:40 पे गोगामेड़ी पहुंचती है, तथा दोस्तों 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:42 पे रवाना होने के बाद इसका अगला स्टेशन है तहसील बादरा 8:54 पे पहुंचती है, 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:56 पे यहाँ से रवाना होकर कलाना अनूप शहर रुकते हुए 9:26 पे सिद्धमुख पहुंचती है, तथा दोस्तों 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:27 पे यहाँ से रवाना होकर हसियावास नरवासी पाटसर रुकते हुए सुबह 10:30 पे सादुलपुर जंक्शन पहुंचती है, तथा दोस्तों यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो करके इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।